हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका वैभव सर आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो देखो यार, तुमने क्रैश बैरियर के बारे में सुना है? क्रैश बैरियर यानी गार्ड रेल जो हम यहां पर रोड के साइड में लगाते हैं सो दैट हमारा व्हीकल ऑफ ट्रैक ना हो, या फिर हम बीच में भी कई बार लगाते हैं सो दैट दो व्हीकल आपस में एक दूसरे में एक व्हीकल दूसरे की लेन में आ जाए। तो ये कंडीशन से बचने के लिए भी हम क्रैश बैरियर लगाते हैं। तो भैया, इंडिया ने एक बड़ा कमाल कर दिया है, यहाँ पर बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल कर ले गए। तो दुनिया में पहली बार, जनरली हम जो क्रैश बैरियर यूज करते थे वो कंक्रीट या स्टील के करते हैं होते थे, और अब दुनिया में पहली बार बैम्बू के क्रैश बैरियर इंस्टॉल कर दिए गए हैं NHAI के द्वारा, जो कि हम बात करते हैं बानी बरोरा हाईवे पर, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो 200 मीटर के स्ट्रेच में यहाँ पर बाम्बू क्रैश बैरियर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए, जिनका नाम दिया गया है बाहुबली। जिनका नाम क्या दिया गया है? बाहुबली। तो भैया, एक बहुत ही बड़ा कारनामा यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भैया, जो स्टील और सीमेंट कॉन्क्रीट के बनाए जाते थे उनकी स्ट्रेंथ वगैरह अच्छी रहती थी, तो क्या यहाँ पर ये भी जो बैम्बू के क्रैश बैरियर है वो सेफ रहेंगे या नहीं? तो भैया, इसकी टेस्टिंग वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिव तरीके से यहाँ पर टेस्टिंग की गई है, और नेशनल ऑटोमेटिव अगर हम बात करते हैं टेस्ट ट्रैक नेट जो कि पीथमपुरा इंदौर में है, वहां पर भी इसकी बहुत ज्यादा टेस्टिंग की गई थी, और CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको हरी झंडी भी दे दी गई है, जो कि रुड़की के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया गया था, और IRC की तरफ से भी इसको एक हरी झंडी मिल चुकी है कि भैया आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं बैम्बू। तो एक बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट यहाँ पर स्टील और कंक्रीट के लिए निकल करके आ रहा है, जो कि है हमारा बैम्बू क्रैश बैरियर। अब भैया, बात होती है कि क्या सारे तरीके के बैम्बू यहाँ पर यूज किए जा सकेंगे? बट नहीं, यहाँ पर एक स्पेशल स्पेसीज ऑफ बैम्बू यूज किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बम्बूसा बल्कुआ को यहाँ पर यूज किया जाएगा, और इसमें इसको वेदर रेजिस्टेंस बनाने के लिए इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग वगैरह भी की जाएगी, सो दैट इसको और भी ज्यादा रेजिस्टिव बनाया जाए डिफरेंट एडवर्स वेदर कंडीशंस। अब बात आती है सर स्ट्रेंथ की। अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं तो बैम्बू ने कई जगह पर स्टील और कॉन्क्रीट के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांटेज लेकर के निकले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रिसाइकलिंग वैल्यू, जो स्टील की रिसाइकलिंग वैल्यू निकल कहते हैं वो 30-50% तक होती थी, बट बैम्बू की जो रिसाइकलिंग वैल्यू निकल करके आ रही है वो 50-70% तक जा सकती है। अगर हम बात करें तो बैम्बू की, तो बैम्बू का जो अगर हम रेशियो देखते हैं, हाई स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो देखते हैं तो काफी हाई होता है, जो इसे सुटेबल बनाता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कैटेगरीज में लेकर के। साथ ही साथ ये हाई फ्लेक्सिबिलिटी या हाई एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी देगा, और अगर हम बात करते हैं हाई फ्लेक्सिबिलिटी और हाई रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट भी अगर हम बोलेंगे तो थोड़ा सा कम निकल कर आएगी, अवेलेबिलिटी भी काफी अच्छी होगी, तो एक बेस्ट अल्टरनेटिव निकल करके आ रहा है किसके लिए? इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नया कारनामा भारत के द्वारा किया गया है, तो मैंने सोचा कि आपको इन सभी की इंफॉर्मेशन दे दूं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आगे इसी चीज को अगर हम देखें तो रेलवे के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, जहां पर रेलवे के बीच में कैटल्स वगैरह घुस जाते हैं, तो वहां पर हम इस तरीके के अगर हम बात करें क्रॉस बैरियर्स या हम बात करें गार्ड रेल हम यूज बाम्बू के बनाए हुए, जो कि हमें चीप एंड आसानी से अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी। भैया, एक बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर हमारे देश के लिए कि यहाँ पर पहला फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किए गए हैं, कहाँ पर? महाराष्ट्र में बारी बरोरा हाईवे पर, जो कि 200 मीटर का यहाँ पर बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल। तो ऐसी और भी जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।